हमारे साथ बने रहिए। बाकी का यहाँ पर आने के बाद बहुत ही मतलब कि बहुत ही अच्छा लग रहा है। बाकी का फील आप लोगों को बता नहीं सकते हैं कि कितना अच्छा लग रहा है। क्यों वीडियो वगैरह बनाए जबरदस्ती, क्योंकि किसी का आस्था को ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए। मेट्रो में आज बहुत ही ज्यादा भीड़ है, बहुत ही ज्यादा भीड़ है। और गुड आफ्टरनून गाइस, कैसे हो आप लोग? जैसा कि आप लोग इस लाइव में देखे होंगे कि अभी मैं आया हुआ था दिल्ली। तो दिल्ली में आज जो है जाने वाले हैं गुरु जी के आश्रम के पास, जो कि दिल्ली में काफी फेमस है वो आश्रम। तो बाकी का आप लोग ब्लॉग में बने रहिएगा, लास्ट तक बने रहिएगा, सारा कुछ जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। अभी तो फिलहाल कश्मीरी गेट पर पहुंच चुके हैं, उसके बाद छत्रपुर के लिए मुझे मेट्रो चेंज करना पड़ेगा। और मेट्रो चेंज करने के बाद मुझे छत्रपुर के लिए जाना पड़ेगा येलो लाइन से। तो बाकी का आप लोग बने रहिएगा। बाकी का दोस्तों आप लोगों को बता दें कि मेट्रो में आज बहुत ही ज्यादा भीड़ है, बहुत ही ज्यादा भीड़ है, और आवाज भी उतना क्लियर आप लोगों के साथ नहीं पहुँच रहा हूँ, इसके लिए सॉरी। बाकी का आप लोग लास्ट तक जरूर ही बने रहिएगा। अभी थोड़ा सा बीच स्टेशन में ही रुकना पड़ गया, क्योंकि मेट्रो जो हमारी थी वो छत्रपुर नहीं जाएगी, छत्रपुर से पहला स्टेशन पर ही रुक गए थे, और उसके बाद कोई दूसरा मेट्रो जब आएगी तो उसके साथ हम लोग जाएंगे छत्रपुर मेट्रो। तो फाइनली अभी हम छत्रपुर मेट्रो स्टेशन पर आ गए हैं, और यहाँ से आप सभी को हम ले चलते हैं गुरु जी का आश्रम। गुरु जी के आश्रम के बारे में थोड़ा सा बता दो कि दिल्ली में यह काफी फेमस है, बाकी तो वहाँ जाएंगे तो आप लोगों को दिखाई देंगे कि कैसा होता है गुरु जी का आश्रम। बस आप लोग हमारे साथ बने रहिए। हाँ जी, तो फाइनली अभी हम लोग पहुंच चुके हैं छत्रपुर मेट्रो स्टेशन, इसके बाद जाएंगे गुरु जी का आश्रम। बाकी का रस आज मेट्रो में भाई साहब पूछो ही मत, बहुत ही ज्यादा है। बाकी का चलिए आप लोगों के साथ हम दिखाते हैं गुरु जी का आश्रम, और बाकी जो भी कुछ नया नया चीज होता है आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। बस आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा। और हाँ, मेरा इंस्टाग्राम का यहाँ पर आईडी मिल रहा है, उस पर जल्दी जाइए फॉलो कर लीजिए, वहाँ भी जुड़ जाइए, क्योंकि छोटा छोटा जानकारी वहीं पर मिलते हैं। बाकी का इधर आप लोग देख सकते हैं ऐसा कुछ रोड है। बाकी दोस्तों आप लोगों को बता दें कि आप लोग जब भी कभी आते हैं ना दिल्ली, तो एक बार यह गुरु जी के आश्रम जरूर आइएगा, पहले ये बात बोल देते हैं, क्योंकि एक बार मैंने यहाँ पर आ चुका हूँ उसके बाद ही आप लोगों को बोल रहे हैं। बाकी का आज दूसरा दिन वहाँ पर जाने वाले हैं। और हाँ, कमेंट करके बता दीजिएगा कि आप लोग दिल्ली में और क्या देखना पसंद करेंगे, क्योंकि ताकि आसानी हो जाएगा घूमने के लिए। गुरु जी के आश्रम जाने के लिए जैसे छत्रपुर मेट्रो स्टेशन से आप लोग उतरोगे तो बगल में ही आपको ऑटो वगैरह मिल जाएगी, जो कि 20-30 रुपये में आपको गुरु जी की आश्रम ले जाएगी। बाकी का हम भी बैठते हैं, चलते हैं गुरु जी के आश्रम। ओके दोस्तों, तो फाइनली अभी हम गुरुजी के आश्रम पर पहुंचने वाले हैं, गाड़ी से उतर गए हैं, और थोड़ा दूर पैदल चढ़ के गुरुजी के आश्रम के पास जाना पड़ेगा। और आप लोगों को थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं कि यहाँ पर कुछ वीडियो वगैरह अलाउ नहीं है, लेकिन जहाँ जहाँ का अलाउ होगा वो सभी चीज़ आपको हम दिखाएंगे। बस आप लोग हमारे साथ बने रहिए। बाकी का यहाँ पर आने के बाद बहुत ही मतलब कि बहुत ही अच्छा लग रहा है। बाकी का फील आप लोगों को बता नहीं सकते हैं कि कितना अच्छा लग रहा है। सरकार की गाड़ी रहती है जो कि आप लोगों को पहुँचाएगी। लिटरली गाइज, अभी भीड़ बताएं ना आपको, बहुत ही ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा। कुछ अगर इजाजत होती है तो आप लोगों को भीड़ भी दिखाएंगे। A few moments later. इधर बाकी का आप लोग बाहर देख सकते हैं, ये गुरु जी का आश्रम जो है, उधर आप लोग भोले बाबा का प्रतिमा देख सकते हो, उसके जस्ट बगल में इधर कार पार्किंग का सारा कुछ सुविधा है। ओके दोस्तों, तो फाइनली ब्रह्म से दर्शन करके आ गए, और फीलिंग की बात करें तो नेक्स्ट लेवल की फीलिंग आ रही है। आपको बता नहीं सकते कि अंदर में जब गए थे ना तो कैसा फीलिंग आया, बस बयान नहीं कर सकते, वैसा फीलिंग आया था, बहुत ही मज़ा आया था, और काफ़ी बता नहीं सकते कि कैसा फील आया था। बाकी की वीडियो वगैरह नहीं अलाउ था, जो कि आपको शुरू में ही बता दिए थे, अंदर का कोई भी वीडियो वगैरह अलाउ नहीं था। बाकी का अंदर से आने के बाद बाहर आ गए हैं, और बाहर में देख सकते हैं दूर दूर तक सिर्फ पार्किंग का है, इधर सारी जगह आप लोग देख सकते हैं पार्किंग का है। और बाकी का बाहर से कुछ ऐसा देखने को मिल जाए, जो भोलेनाथ का प्रतिमा आप लोग देख सकते हैं, उसी के चारों तरफ उधर जितना पेड़ लगा हुआ है उसी के जस्ट बीच में आश्रम के टाइप पे बनाया गया। बाकी का अंदर में इतना मजा आया ना, बाकी हम बोल ही नहीं सकते कि इतना मजा आया। एक ही शब्द बोलेंगे कि जब भी आप कभी दिल्ली आए तो एक बार आश्रम में जरूर आए, बता रहे हैं ना, बहुत मजा, मतलब बहुत आज।
सभी को बता दें कि यह गुरु जी का जो आश्रम है गुरु जी के नाम से बहुत ज़्यादा प्रचलित है। और जितना अगर आप दिल्ली में आओगे ना तो जितना गाड़ी वगैरह पर लिखा रहता है गुरु जी तो आप लोग समझ लीजिएगा कि गुरु जी का कितना ज़्यादा है। अब बाकी के यहाँ पर जितना गाड़ी वगैरह है ना, जितना फोर व्हीलर है टू व्हीलर से जितना गाड़ी है सभी पे गुरु जी लिखा गया है, जो कि हाँ जी तो आपको बता दे तो यहाँ तो वीडियो फोटोज वगैरह कुछ भी अलाउ नहीं है, लेकिन गुरुजी के मेन जो इनका वेबसाइट वगैरह भी चलता है तो उस पर देखते हैं अगर कोई वीडियो वगैरह होगा फोटो वगैरह होगा तो वो सभी आपको दिखाएंगे। और इसके जस्ट बाद आपको साइनेमैटिक शॉट के द्वारा वो सभी चीज़ आपको दिखाएंगे। तो आप सभी को बता दें कि मोबाइल वगैरह अंदर अलाउ तो था, बट वह वही है ना कि फोटो वीडियो अलाउ नहीं था, मोबाइल अलाउ था। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों वीडियो वगैरह बनाए जबरदस्ती, क्योंकि किसी का आस्था को ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए। वैसे भी भाई साहब अंदर जाने के बाद मोबाइल से फोटो वगैरह लेने का मन ही नहीं करेगा। बाकी के अगर आप कभी दिल्ली वगैरह आते हैं तो एक बार आकर विजिट जरूर करना आप लोग। बाकी के चलते हैं अब घर पर, और क्योंकि शाम भी बहुत ज़्यादा हो गया है, अभी 6 बजने वाली है।